विधानसभा पराक्रम समिति के सभापति हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, लेकिन अमूमन देखा जा रहा है बेगमगंज तहसील में जल निगम द्वारा जो जगह जगह सड़कें खोदी जा रही हैं पानी के पाइप के लिए, लेकिन अमूमन देखा जा रहा है बंसल यूज ने इसका दौरा भी किया है, जगह जगह निरीक्षण किया है, आपने भी निरीक्षण किया होगा, अमूमन देखा जा रहा है कि सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं, क्या पराक्रम समिति के संज्ञान में ये सारी बातें हैं? आज रायसेन जिले में अपने नगर बेगमगंज में प्राकलन समिति हमारे सभी जिले की टीम, हमारे विधानसभा सचिवालय लोक लेखा समिति के सभापति जी और सभी हमारे माननीय सदस्य आए हुए हैं, और जो महत्वपूर्ण विषय है आपके चैनल मीडिया के माध्यम से जनता के माध्यम से जन सुनवाई भी यहाँ कर रहे हैं, सरपंचगण हैं, जनप्रतिनिधि हैं, नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, जनपद अध्यक्ष हैं, जिला पंचायत सदस्य वो भी सुझाव दे रहे हैं, और उनको बड़ी गंभीरता के साथ एक एक विषय को हम ले रहे हैं। जिस तरह पेयजल का आपने बताया है, गांव में सड़कें खुदी हुई हैं, पानी नहीं पहुँच रहा है, समय सीमा में काम नहीं चल रहा, सड़क का काम भी यहाँ देख रहे हैं समय सीमा पर क्यों नहीं हो रहा, इन सब चीज़ों पर अभी हमने यहाँ एक महत्वपूर्ण बैठक रखी है, और वरिष्ठ अधिकारी प्रदेश से और जिले के हमारे जिलाधीश और सभी उन पर गंभीरता से लेंगे, और यहाँ कोई गड़बड़ी मिलती है उस पर कार्रवाई की सिफारिश भी हम लोग करेंगे। सभापति जी, आपने सवाल का ठीक ठाक जवाब नहीं दिया, मेरा ये कहना था कि सड़कें जो खुदी हुई है उसको कब तक ठीक कर दिया जाएगा, और एक दूसरा सवाल मेरा ये भी है, माननीय जिले के कलेक्टर महोदय मेरे साथ मौजूद हैं मीडिया के सामने, पीसी शर्मा जी हैं जो कि मेंबर हैं, ऐसा देखा जा रहा है कि जगह जगह एक इशू है सड़क खोद दी गई है लेकिन उनको बनाए नहीं गई है, दूसरा इशू सबसे बड़ा ये है कि आपकी कमेटी समिति जो चाह रही है कि जगह जगह गांव में पानी मिल जाए, लेकिन अमूमन देखा जा रहा है कि टंकियां बन गई हैं, पाइप लाइन बिछ गई है, लेकिन जो टोटी है नल वो जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि बड़े जो है मामला सामने आ रहा है, या कहीं ना कहीं जो कमी है उसको दूर कब तक कर दिया जाएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है। आपका चिंता जायज है, आज इस विषय को रखेंगे, जहाँ सड़क समय सीमा पर नहीं सुधारी तो उन पर कार्रवाई करने की सिफारिश भी करेंगे, और जितने गांव पीने का पानी से वंचित रह गए उन योजनाओं को भी स्वीकृति के लिए अनुशंसा हो चुकी है, और पूरी तहसील के हर गांव में हमने योजना बना दी, ऐसा कोई गांव बाकी नहीं रह रहा, वहाँ स्वच्छ जल पहुँचाने का काम कर रहे हैं, समय सीमा पर जो काम नहीं किया तो उसके लिए आज हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर लिखेंगे, सड़कें नहीं सुधारी तो उसमें भी हमारे जिलाधीश जी भी हम लोग वरिष्ठ अधिकारी भी उनके आ रहे हैं, उनको जवाब उनसे लिया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बता दी बड़ी महत्वपूर्ण समिति आप भी मानते हैं पराक्रम समिति, जितने भी विकास कार्य होते हैं पराक्रम समिति से ही होते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि जो मलिया डैम बन रहा है, इससे पहले भी अमूमन बंसल न्यूज ने बात की थी मुआवजे के लेकर अभी तरह तरह की बातचीत हो रही है, लेकिन मुआवजे के जो बढ़ने की बात चल रही थी, क्या मुआवजा बढ़ाया जाएगा, सिर्फ चार लाख रुपए में किसानों को टरका दिया जाएगा या धपका दिया जाएगा उनको 4 लाख रुपए देके, और आप मानते हैं कि 4 लाख रुपए एकड़ जो जमीन के पैसे दिए जा रहे हैं क्या वो जायज है? जो मापदंड सरकार के है, हम तो चाहेंगे कि हमारे किसान भाइयों को ज्यादा से ज्यादा राशि मिले जी। पिछली बार भी आए थे जो डूब में दो गांव आ रहे हैं, किसानों से चर्चा हुई थी और वो संतुष्ट हो गए और उन्हें दूसरी जगह वो चले गए हैं, बाकी जो रकबा डूब में आ रहा है सिंचाई का किसानों की जमीन, उसके लिए भी हमने पूरी पहल की है, और उसमें भी सिंचाई विभाग के PS हैं उनसे ही बात हुई है और उस प्रस्ताव को हमने भेजा है, हम तो चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा राशि हमारे किसान भाइयों को मिले, क्योंकि ताकि वो दूसरी जमीन ले सकें और व्यवस्थित हो सकें, इसके लिए हम लोग पूरा करेंगे। सभापति जी, जैसा कि देख रहे हैं कि पिछली बार कभी 4 से 5 मेंबरान जो आपके साथ मौजूद थे, लेकिन अभी देखा जा रहा है कि कांग्रेस से है PC शर्मा जी, लेकिन आप दो ही मेंबर जो आज बेगमगंज में मौजूद हैं, लेकिन बड़ी जो जिम्मेदारी थी आप काय के लिए आज क्या मीडिया के लिए शेयर कर सकते हैं, मुद्दा क्या है जो आपका मुख्य काम था जो आज बेगमगंज के लिए? मुख्य काम पिछली बैठक में जो निर्देश दिए थे हमने वो समीक्षा है जी, बाकी यहाँ के निर्माण विकास कार्य नगर के लिए क्या सुझाव, हमारे प्रमुख लोग, हमारे पार्षदगण, हमारे सीनियर लोग यहाँ के समाज सेवी संगठन दे रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों से लेके पेयजल व्यवस्था से लेके ग्राम पंचायतें भी स्वच्छ सुंदर हो, जो अभियान चले जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं, उन अभियानों की प्रगति से अवगत होना, इन सब चीज़ों की हम लोग समीक्षा करेंगे, और
कहीं कमी मिलती है तो उस पर हम कार्रवाई के भी निर्देश जारी करें। विधायक जी, जैसा कि मीडिया ने आपके संज्ञान में सारी बातें लाई है, जल निगम जल का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन कहीं ना कहीं गर्मी भीषण गर्मी पड़ रही है, ऐसे में अगर कहीं ना कहीं कोई खामी होती है जल निगम से किसी विभाग से, क्या कड़ी कार्रवाई की जाएगी? निश्चित रूप से ये प्राथमिकता माननीय मुख्यमंत्री जी की है, माननीय प्रधानमंत्री जी की है। समय सीमाओं में घर घर नल जल योजना पहुँचाने का काम है, घर घर पानी शुद्ध पानी के लिए हमारा पूरा फोकस इस पर रहेगा, और जो गांव वंचित रह गए उनको भी हम स्वीकृति लगभग प्राप्त हो चुकी है, और तहसील में ऐसा कोई गांव नहीं रहेगा जब पेयजल संकट हो, क्योंकि बेगमगंज में पुराना जमाना माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद थे, विधायक थे, यहाँ नगर में ही बूंद बूंद पानी के लिए हम लोग तरसे हैं, और इसलिए पानी की पूरी व्यवस्था करना, गांव गांव में सिंचाई की व्यवस्था करना, ये हमारी प्राथमिकता है। सड़कों में लगभग हम लोग काफ़ी काम कर चुके हैं, कुछ सड़कें बची हैं, कुछ पुल हैं, उनको भी हम तुरंत पूरा करेंगे, और इस तरह पूरा क्षेत्र के विकास, चौकों के विकास के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करके जनता की सेवा में पूरा अमला, सरकारी अमला, माननीय सभापति जी, माननीय विधायकगण भी, ये भी सब के हित के लिए काम करने के लिए यहाँ पधारे हैं, उनका भी सब लोग समिति के माननीय सदस्य हैं, उनका यहाँ बड़ा आदमी स्वागत भी हुआ है, और विभागों के सभी अधिकारी सभी विभागों के आए, जहाँ जहाँ जो चीज़ अभी जनसुनवाई हुई है, जनप्रतिनिधियों ने विषय रखे, समाज सेवी संगठन भी आए, पार्षद जी हैं, नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, जनपद अध्यक्ष जी, जिला पंचायत की पूरी टीम, काफ़ी लोगों को अलग अलग सुना हमारी टीम ने, हमारे विधानसभा सचिवालय के सब लोग नोट कर रहे हैं, जिलाधीश जी उनकी टीम अमला पूरा लिख रहे हैं, और इस बात को जो निकल के आ रही है उस पर पूरा प्रभावी ढंग से कार्रवाई कराना हमारा कर्तव्य है, हमको पूरा करेंगे।